हम अभी पहुंच गए खाने के लिए, लंच करने के लिए आया है। ये आनंद भवन करके वेजिटेरियन का होटल है। देखो, इसको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको तो नॉनवेज खाना है। हम अभी सबको बोला वेज खाएंगे करके, आनंद भवन में गए। बट क्या हो गया, उधर बहुत भीड़ था। अभी फाइनली वेज एंड नॉन वेज करके उसका बाजू में एक था, उधर आना पड़ा। ओके, हम खाना खाएंगे अभी। ये अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। मतलब इतना बढ़िया बोले तो बहुत अच्छा है। मतलब हम मोंडवे में जो मिला है ना, बहुत अच्छा है, पालक्कड़ में है। हम इधर से लंच किया है, मतलब टेस्टी है, थोड़ा कॉस्टली भी है, फिर भी ठीक है। देखो, इसके बाहर भी बहुत खूबसूरत है, गार्डन वगैरह बना के रखा है। हाय, हम इधर से बाहर थोड़ा घूमा। उसके बाजू में ही दूसरा एक रेस्टोरेंट है, मैं रेस्टोरेंट नहीं है, वो सेम बिल्डिंग में है। मतलब थोड़ा रास्ता था उधर जाने के लिए, उधर एक स्विमिंग पूल था अंदर। वो पूल भी बढ़िया है, मतलब कोई यूज़ नहीं तो नहीं कर रहे, मतलब शायद हो सकता है शाम को पार्टी वगैरह है, वो पूल के बीच में लोग टेबल भी रखे खाने के लिए, ऐसा प्लान किया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा है, क्योंकि ये हमारा जो जर्नी में साइड ऐसा लंच के टाइम ऐसा सब मिल जाना थोड़ा अच्छा रहता है हमको, थोड़ा वॉकिंग कर लो खाने के बाद इधर उधर। बहुत बढ़िया बना दिया, मतलब रोड साइड पे, हाईवे पे। कभी क्या ना, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट हमको नहीं मिलता है। ये लकीली मिल जाता है, क्योंकि हम स्पीड में जाता है उस समय रोक नहीं पाता है, फिर हम ढूंढ के कौन सा, हमको आइडिया नहीं है ना आगे। मालूम है तो हम बराबर ये कर सकता है। इधर देखो, यम्मी पालक्कड़ करके लिखा है फोटो वगैरह खींचने के लिए। अभी हम निकलेंगे जल्दी, क्योंकि हमको पहुंचना है एर्नाकुलम। उधर पहुंचने के लिए हमको, मतलब ज़्यादा डिले किया तो उधर लेट हो जाएगा। अभी का टाइम पे गूगल मैप से देखा तो अराउंड 5:30 ऐसा कुछ है टाइम दिख रहा था। अभी हम ज़्यादा डिले किया तो रात हो जाएगा, इसलिए हम निकलेंगे जल्दी इधर से। किच्चू, हम अभी किधर भी स्टॉप नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे एर्नाकुलम। किधर भी अभी रुकेगा नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, अभी टी टाइम पे हम एर्नाकुलम पहुंच जाएंगे। चलो चलो चलो, आजा देव। अभी हम हमारा ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। हम देखा है अभी इधर से 2.5 आवर शो कर रहा है एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन तक गूगल मैप में। एक्चुअली ये हमारा 14 एपिसोड है। फर्स्ट 3 एपिसोड हम मलयालम में ही बनाया है, वो कन्वर्शन नहीं किया हिंदी में। ओके, अब इसलिए ये पहला एपिसोड है हिंदी में जो कर रहे हैं। और इधर हम अभी पालक्काड़ हो गया, अभी नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन त्रिशूर है। त्रिशूर के मींस त्रिशूर है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी देखो 2:53 हो गया टाइम, हम अराउंड 5:30 बजे ऐसा कुछ पहुंच जाएंगे एर्नाकुलम। अभी उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो अभी चलते हैं।
वो हम और एक टोल में पहुंच गया। ये शायद ये लास्ट टोल हो सकता है, हम बहुत टोल का दिया है, पहले हो गया है, अभी मेरे को लग रहा है ये लास्ट टोल होगा, लग रहा है अभी पालक्काड़ के बाद। अभी बहुत सारे टोल अराउंड 1500 तक दिखा रहे, मतलब प्राइस पूरा टोल मिला के। अभी टाइम 3:30 हो रहा है, 3:20 हो गया, हम सारे अभी अराउंड 420 किलोमीटर हम कवर हो गए ऑलरेडी। अभी जस्ट फर्दर 90 किलोमीटर बचा है डेस्टिनेशन तक, एर्नाकुलम तक। वाह, फाइनली हम एक टनल के पास आ गया है। ये टनल का नाम है कुदरान टनल, ये बहुत सुना है, अभी पहले बार हम जा रहा हूँ। देखो क्या सुंदर है, देखो एक गाड़ी इधर जाएंगे, उधर से आने के लिए टू वे बना दिए, वन वे है, मतलब उस तरफ आने का इस तरफ जाने का है। देखो बढ़िया है अंदर, अभी उधर इंस्ट्रक्शन दिया है लाइट ऑन करने के लिए, बट ये लाइट ऑन करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, अंदर पूरा लाइट है, फिर भी हम ऑन किया है, उधर इंस्ट्रक्शन दिया ना इसलिए। यार बढ़िया है यार, मस्त है, एकदम अच्छा टनल है ये, ज़्यादा नहीं है, मतलब दूर नहीं है। अभी देखो हमको एक्सिट दिख रहा है उधर, एक्चुअली ज़्यादा तो दूर नहीं है, फिर भी बढ़िया है, अच्छा है ना। अब ये टनल ज़्यादा मतलब यूएस नहीं हुआ बना के, मेरे हिसाब से 2-3 साल हो गया लग रहा है मेरे को, ये न्यूज़पेपर में वगैरह बहुत सुना है ये टनल के बारे में, बट अभी मौका मिला इसके अंदर जाने के लिए। बेंगलोर से आप एर्नाकुलम जाएगा ना, कोयम्बतूर होने के बाद पालक्काड़ आएगा, पालक्काड़ के बाद त्रिशूर के बीच में आ जाता है एक्चुअली, पालक्काड़ और त्रिशूर का बीच में ये टनल पास करना ही पड़ता है जाने के लिए। इसके पहले कैसे रूट था मेरे को भी आइडिया नहीं है। अब एनीवे टनल आने के बाद यही रूट है, एकदम बढ़िया रहेगा, मतलब जाने के टाइम एक ही चेंज है ना, ऐसा टनल मिलने बोले तो हमारा जर्नी थोड़ा सुंदर हो जाता है। अभी देखो हम इधर से बाहर आते ही अच्छा व्यू है, दूर से देखा तो पहाड़ वगैरह ऐसा दिखता है और ग्रीनरी भी है, देखो अच्छा है। थोड़ा डाइवर्शन दिया है उधर, कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा डाइवर्शन में है। ये भी देखो बहुत नाइस व्यू है ना, ये शायद ऊपर कुछ इरिगेशन का लाइन हो सकता है, बट इसका कलर देखो ऊपर ब्लू और ये के एक लग रहा है एक फोर्ट के अंदर हम जा रहे करके ऐसा फील हो गया, बहुत सुंदर था वो भी, बढ़िया है, अच्छा है वो। अभी हम पहुंच गए त्रिशूर, अभी देखो इधर बोर्ड लगा है, इधर राइट में गया तो त्रिशूर है करके, आगे और जगह है क्या मालूम नहीं, क्योंकि ये रोड पे हम पहले बार जा रहे हैं, बट राइट गया तो त्रिशूर आ गया, हम फाइनली त्रिशूर पहुंच गए। अभी टाइम 3:45 हो गया है, 3:54 हो गया है, 45 हो गया है, हम इधर से 1 hour 55 minutes है हमारा विल्ला बुक किया ना विल्ला तक एर्नाकुलम पे, एर्नाकुलम में हम एडप्पल्ली में बुक किया है एक्चुअली वो मतलब विल्ला, अराउंड उतना टाइम लगेगा हमको और उतना जाना पड़ेगा, 1 hour 55 minutes और जाना पड़ेगा, अराउंड 4:35 5 बजे तक हम शायद पहुंचेंगे उधर। नेक्स्ट हम चालाकुड़ी पहुंचेंगे, चालाकुड़ी बोले तो हमारा एक फिल्म स्टार है कलाभव मणि करके फेमस है, वो अभी नहीं है और मर गया, बहुत बढ़िया आदमी था वो, फेमस है, आप गूगल देखा तो मिल जाएगा कलाभव मणि करके, उसका गांव है उधर एक्चुअली चालाकुड़ी। और दूसरा क्या है, चालाकुड़ी से हम अराउंड 1 hour जर्नी किया तो एक फेमस वाटरफॉल है आदिरापल्ली वाटरफॉल करके, वो उधर पहुंचेगा, बट ये बार डाउट है उधर जाने के लिए मौका मिलेगा क्या करके, क्योंकि उतना वक्त नहीं है ये वैकेशन के टाइम पर अभी, बट ये बहुत मिस करेगा, देखो ना ये 1 hour डिस्टेंस में हम पास कर रहे करके उधर नहीं जा पा रहे ना, इसलिए बहुत मिस करेगा। और ये सेम वाटरफॉल में ये बाहुबली का सब शूटिंग उधर हुआ है एक्चुअली, वो वाटर का ना वही बहुत बढ़िया वाटरफॉल है एक्चुअली, मेरे को देखने का बहुत ये था, बट क्या करूँ आगे ले टाइम देखेंगे मौका मिला तो।
हमारा एक्चुअली जर्नी बहुत बढ़िया था, एकदम अच्छा ड्राइव था, रूट भी अच्छा था, अच्छा हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, रोड भी ठीक है। बट प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा ट्रैफिक जाम था क्योंकि छुट्टी का टाइम है ना, मतलब थोड़ा कंजेशन था रोड पे, फिर भी ठीक है, उतना बोर तो नहीं हुआ, अच्छा आराम से एंजॉय करके ड्राइव किया है। और अभी हम केरला पहुँच गए, अभी देखना है, अभी यार AI कैमरा लगा हो करके सुना है मैं, अभी AI कैमरा बोल दिया तो वो पूरा मतलब फाइन आने का भी डर है, ज़्यादा स्पीड गया तो। अभी तक हम वो सब टेंशन नहीं था माइंड में, एकदम तेज में हम, अच्छा रोड खुला रोड मिला तो एकदम ड्राइव किए थे। बट अभी थोड़ा केयर करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा स्पीड गया तो क्या पता है। अभी हम त्रिशूर के बाद अभी चालाकुड़ी पहुंच गया, चालाकुड़ी के बाद नेक्स्ट अंगमाली आएगा। अभी और टाइम दिख रहा है इसमें, अराउंड 1 आवर, 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अरे यार पूरा गड़बड़ हो गया, अभी देखो हम साइड में पार्क किया हुआ है, सारे गाड़ी लागे जा रहे हैं, हमारा गाड़ी साइड में हो गया, मतलब गाड़ी को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी, क्या करूँ। अभी हम महिंद्र के बारे में बहुत कुछ बोला है लास्ट एपिसोड में, अभी ऐसा हमको मुश्किल हो गया, अभी क्या करूँ, अभी मतलब बोल के फ़ायदा नहीं है, क्या करूँ अभी अभी क्योंकि हम RSS से बात हो गया था हमारा, उनके साथ से एक आदमी से बात कर दिया, मतलब सर्विस सेंटर से, वो क्योंकि हम पीछे से आ रहे थे ना, थोड़ा अभी हो गया था चालाकुड़ी होने के बाद, थोड़ा आगे से मेरे को लगा था ब्रेक लगाने के टाइम थोड़ा आवाज़ आ रहा था, कूँ 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 करके आवाज़ आ रहा था, फिर मेरे को डाउट हो गया क्योंकि हम आने के पहले सर्विस सेंटर में दिखाया था ये जर्नी, मतलब इधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में उनको दिखाया था, क्योंकि पहले एक बार ऐसा आवाज़ आ रहा था मैं गाड़ी जाने समय, इसलिए लंबा दूर जाना है ना इसलिए उसको दिखाया, वो आदमी चेक कर दिया, रोड टेस्ट करके बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। सो उसका कंफर्मेशन के बाद हम जर्नी स्टार्ट किया एक्चुअली। बट अभी मेरे को लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अराउंड 400 किलोमीटर पास हो गया ना, अभी ब्रेक में शायद ब्रेक का जो पैड है ना, पैड पूरा गया लग रहा है, अभी ड्रम ये डिस्क को कुछ हुआ है क्या वो सब मालूम नहीं है, बट आगे नहीं चला पाएगा, अभी मैं ज़्यादा चला दिया तो मेरा डिस्क पूरा ख़राब हो सकता है, इसलिए ये टेक्निकल अभी बात की RSS से सर्विस टीम, वो लोग भी बोला है नहीं गाड़ी तो टो करना पड़ेगा, आपको आगे चला दिया तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी क्या करूं, हम जर्नी तो एकदम एकदम रोड सड़क पे हो गया एक्चुअली, गाड़ी में सामान है अभी सब लोग, अभी क्या करूं करके टेंशन है। फिर भी RSS से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, RSS ने बोला है वो टो के लिए वो अरेंज करेगा, वो कुछ पैसा नहीं देने का है और वो गाड़ी भी हमको अरेंज करके देंगे, मतलब वो टैक्सी अरेंज करके देंगे, वो टैक्सी में हम 50 किलोमीटर तक फ्री है, हम उधर तक जा सकता है और कुछ पैसा नहीं देना है, वो सब वो लोग अरेंज कर दिए, वो सब बहुत बढ़िया लगा, ये पहला एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं RSS से ऐसा क्लेम नहीं किया, ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है एक्चुअली, वो इसलिए हमको उतना टेंशन नहीं है, थोड़ा रिलीफ हो गया वो सुन के। फिर भी कल और परसों हमको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा ना सोच के अभी वो ही एक टेंशन है। अभी दूसरा क्या है, अभी प्राइवेट टैक्सी आएगा और ये सब टाइम पे आ गया तो ठीक है, अभी अराउंड 1 आवर दिख रहा था हमारा डेस्टिनेशन तक, अभी इधर 2-3 घंटे रास्ते पे हो गया तो अभी अंधेरा भी हो जाएगा, वो सब मिला के टेंशन है, बट ये सब टाइम पे आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से टैक्सी में जाके हमारा विल्ला पहुंच सकता है। और कल का ओके गाड़ी नहीं है, क्या करूँ, वो जल्दी देगा क्या मालूम नहीं है, और वो सब अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होगा करके, बट क्या करूँ अभी कुछ ऑप्शन नहीं है हमको, अभी देखेंगे। अभी सब टाइम पे हो गया तो ठीक है, ज़्यादा वेट इधर ना ज़्यादा वेट इधर किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्या करूँ। कभी ऐसा होता है ना, हम जर्नी में हम सोचेंगे पॉजिटिवली ओके आराम से गाड़ी लेके चला देंगे, हम टाइम तक 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, हमारा विल्ला पहुँच जाएंगे, उधर पहुँच के कल घूमने के लिए जाएंगे वो सब, बट क्या कभी कभी ऐसा भी होता है, ये गाड़ी का मामला है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है,
बट जर्नी में ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो हम बहुत हमको क्या बोलूँ डस्प हो जाता है, क्योंकि गाड़ी मेन छोड़ के फिर दूसरा टैक्सी में जाओ बोले तो, हमारा खुद का गाड़ी छोड़ के टैक्सी में जाओ बोले तो वो भी बहुत माइंड में क्या बोलते तो अपसेट होने का बात है। ये तो अभी क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता है पूरा सच्ची में। मैं पहले आधा घंटे हो गए ऑलरेडी हम ब्रेक लेके, मैं पूरा क्या करूँ करके सोचा, फिर आरएसएम में फ़ोन किया, बिल्कुल वो सब लोगों का सपोर्ट अच्छा था एक्चुअली महिंद्रे में, वो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि उतना जल्दी वो लोग कॉल कर दिया, हमारा लोकेशन एक ऐप में थ्रू हम भेजा है, वो लोकेशन देके वो लोग फाइंड आउट करके ये सब हो गया एक्चुअली।